तो हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या बेस्ट बुक्स हैं फॉर प्रिपरेशन फॉर नीट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बुक्स बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहली बात तो समझना ये है कि बहुत सारी बुक आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। बुक्स बताने से पहले एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लो, बिकॉज ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। देखो, जितनी ज्यादा बुक्स उतनी ज्यादा, ऐसा मतलब नहीं है कि तुम अच्छा पढ़ने वाले हो या तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। कितनी बार जो तुम्हारे पास बुक्स है, तुम उनको कितनी बार पढ़ते हो, दैट मैटर। मैं तुम्हें यहाँ पे गारंटी दे सकता हूं, जितने ही बच्चे देख रहे हैं, में से 99% बच्चों को एनसीईआरटी अच्छे से नहीं आती होगी कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा, चलो बताओ कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि सीएडी कराने में इन्वॉल्व होती हैं। चार चीजें होती हैं, हो सकता है तुम में से कई सारे इनको आता हो और ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता है। अगर तुम्हें सच में नहीं आता है तो ध्यान से सुन लो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसका मतलब तुम्हें एनसीईआरटी भी नहीं आती। तो बायो की सबसे पहले हम बात करते हैं, और बायो में सबसे पहली किताब एनसीईआरटी, और इसको ही करने के बाद किसी और किताब पे जाना। इसके बाद तुम्हारे को जो किताब की जरूरत पड़ेगी वो होगी कि कैसे तुम बायो की एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर पाओ, कैसे जब तुम्हें रिवीजन की जरूरत पड़े तब तुम उस किताब को रेफर कर पाओ जो एनसीईआरटी से तुम्हें जल्दी रिवाइज करा सके, एनसीईआरटी का ही मटेरियल। तो वो अगेन तुम सभी लोगों को पता होगा, दैट इज बायो है। ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इसके बाद तुम्हारे को एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए किताब की जरूरत पड़ सकती है। अब अगर तुम बायो है की हार्ड कॉपी लेते हो तो तुम्हें उसके साथ एक क्वेश्चन बैंक मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मच क्वेश्चंस आर सफिशिएंट, तो तुम वो चीज कर सकते हो। या फिर तुम एमटीजी की फिंगर टिप्स बाय कर सकते हो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि लाइक बायोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है कि तुम 500-500, 1000-1000 क्वेश्चन एक चैप्टर के लगाओ। नाउ बायोलॉजी के लिए तीन ही किताबें हैं, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बायोलॉजी के लिए। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तुम्हें एनसीईआरटी अगेन पूरी अच्छे से पढ़ना, और एक एक लाइन एनसीईआरटी की इधर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिजिकल में भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी की डायरेक्टली लाइन होती है, इसलिए वो अच्छे से करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और एनसीईआरटी का रिवीजन करने के लिए जो सबसे बढ़िया किताब तुम्हें मिलेगी, अगेन केमैक मिलेगी, वो तुम्हें लेना है। उसमें अगेन कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा तुम्हें, उसमें अभी 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर है, धीरे धीरे हम उसको 150 तक लाने वाले हैं अगले 3-4 महीने में, तो वहां पर वो चीज हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम केमिस्ट्री में क्या कर सकते हो, डीजी की तुम कर सकते हो, अगेन फिंगर टिप्स आती है केमिस्ट्री की। मैंने अपने काफी सारे दोस्तों से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि ये किताब बहुत अच्छी है। मैंने पर्सनली तो यूज नहीं करी है, मैं एक कोचिंग ज्वाइन कर रखा था तो उसके मॉड्यूल्स मुझे लाइक सफिशिएंट लगते थे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। नाउ कमिंग टू फिजिक्स, तो फिजिक्स में एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। नाउ यहां पे तुम्हें एक थ्योरी बुक की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाए और उसके रिलेटेड तुम्हें पहले एग्जांपल दे। तो इसके लिए तुम एस शर्मा यूज कर सकते हो, या फिर तुम सिंगेज की बीएम शर्मा यूज कर सकते हो, या फिर अगेन तुम एरलेस फिजिक्स यूज कर सकते हो जो कि यूनिवर्सल सेल्फ स्कॉलर बोलते हैं उसको। ये तीनों किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं। मैं बोलूंगा एससीबी थोड़ा सा नीट जॉनर के लिए कम है, वो जेई जॉनर के लिए ज्यादा है, तो यहां पर तुम्हें एससीबी थोड़ा मैं तुम्हें कम बोलूंगा। अगर तुम्हें लेनी है एक प्रॉपर किताब जिसे तुम्हें पूरे ईयर वाइज फॉलो करना है, तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया एरलेस फिजिक्स होगी। उसमें थ्योरी भी दी होती है जितनी जरूरी है, और तुम्हारे को क्वेश्चन भी वहां पे मिल जाएंगे, और क्वेश्चन तुम्हें इतने मिल जाएंगे तुम सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा उसमें क्वेश्चन होते हैं। आई विल से कि तुम्हें हर चैप्टर में अराउंड 200 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए एवरेजली। मतलब कि जैसे मान लो कि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में 200 क्वेश्चन के आसपास बहुत होते हैं। फिजिक्स में तुम ज्यादा जा सकते हो, 250 अगर 300 तक जा सकते हो बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री में वही अपना अराउंड 150-200 तक, तो ये रेंज होना चाहिए। इससे ज्यादा तुम कर भी नहीं पाओगे और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा। इस तरीके की तुम्हें किताबें तुम ले सकते हो जो मैंने रिकमेंड करी, इससे ज्यादा मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा। एनसीईआरटी अच्छे से करो, बायो केमिक अच्छे से करो, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस लिए मैंने तुम्हें बताई दिया, एलएलएस और एमटीजी वगैरह तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें फिजिक्स के नोट्स चाहिए हो, बायो हैक चाहिए हो, हर एक चैप्टर से 90-90, 100-100 क्वेश्चन चाहिए हो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, सारा मटेरियल वहां पे आता रहता है और जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसी के साथ बाय, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, मचाते रहो, फोड़ते रहो।